कान्हा जी मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर ली थी, तो आज हम एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए 4.2 एक्सरसाइज में हमारे पास क्या है, फोरियर एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन हैविंग पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी। अगर हमारे पास फंक्शन के पास पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी है तो फोरियर एक्सपेंशन कैसे होगी। मान लो अगर आपके पास में, जैसे आपने पहले फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकाली, फोरियर सीरीज निकाली थी, तो उसके लिए आपको ए नॉट, ए एन, बी एन, ये सब निकालने की जरूरत पड़ती थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास में फंक्शन ऐसे डिफाइन किया हुआ है जो इंटरवल सी से सी प्लस टू पाई है, उस पर फंक्शन की वैल्यू सी से ए पे अलग है, ए से सी प्लस टू पाई पे अलग है। यानी कि इस फिगर में अराउंड ए से हमारे पास लेफ्ट साइड अलग फिगर है, राइट साइड अलग फिगर है। तो जो भी हम ए एन, ए नॉट, ए एन, बी एन, इनके फॉर्मूलाज में हम क्या करेंगे, सी से ए एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, सी ए से ए सी प्लस टू पाई जी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। सिमिलरली ए एन में इंटरवल को तोड़ेंगे और फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे, और बी एन को फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे इंटरवल्स को तोड़ के। वो बोल रहा है कि अगर देखिए यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है एक्स इज इक्वल टू ए पर पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी है, तो फाइनाइट डिसकॉन्टीन्यूटी होगी, फाइनाइट जंप हो गया, यानी कि लेफ्ट एंड लिमिट, राइट एंड लिमिट एग्जिस्ट तो करेंगी पर अलग अलग होंगी। तो जो फोरियर सीरीज है वो कैसे निकलेगी, अगर मैं पहले इन सब को पुट करके जो फोरियर हमारे पास एक्सपेंशन आई है उसमें एक्स की जगह ए पुट कर दूँ, ए माइनस जीरो, एक बार ए प्लस जीरो, दोनों का सम करके जब मैं टू से डिवाइड करूँगी तो ये अर्थमेटिक मीन हो जाएगा, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स के इक्वल, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट प्लस राइट हैंड लिमिट अब उनका अर्थमेटिक मीन एफ ऑफ एक्स के इक्वल होगा, ये बात बोल रहा है यहाँ पे। तो आइए एक्सरसाइज शुरू करते हैं, आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। देखिए 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑब्टेन ए फोरियर सीरीज एक्सपेंशन फॉर द फंक्शन एफ एक्स इन 0 to 2π। यहाँ पे इंटरवल 0 से 2 पाई है, तो वो बोल रहा है फोरियर सीरीज एक्सपेंशन निकालनी है और फंक्शन हमें ऐसे डिफाइन किया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1, फंक्शन की वैल्यू क्या है। देखिए एक्स दिया हुआ है, जब हमारे पास में एक्स क्या है, 0 to π है, एंड 2π माइनस एक्स है, जब मेरे पास क्या है, पाई लेस देन एक्स लेस देन 2π, इंटरवल क्या है, 0 से 2π है, ठीक है। तो हमारे पास में फोरियर एक्सपेंशन, आपको ध्यान हो तो फोरियर एक्सपेंशन किसके इक्वल होती थी, एफ ऑफ एक्स सिमिलर होती थी ए नॉट बाई टू प्लस में समेशन एन इज इक्वल टू 1 to ∞ ए एन कोस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स, इसकी इक्वल होती थी। वेयर जो ए नोट था वो तो हमारे पास क्या था, 1 by π, जो इंटरवल है जैसे 0 से 2π है, साथ में क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। जो ए एन निकला था वो क्या था, 1 by π, 0 से 2π जो भी इंटरवल था, एफ ऑफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। एंड जो बी एन क्या था, 1 by π, 0 से 2π, एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स, और साथ में क्या है, डी एक्स है। ये तीन चीज़ हमें निकालनी होती थी, ए एन, बी एन और ए नोट, और इनके अंदर वैल्यू पुट करते थे तो हमारे पास क्या आती थी, फोरियर एक्सपेंशन आती थी। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। नाउ निकाल लो पहले ए नोट की वैल्यू, ए नोट क्या हो जाएगा, 1 by π, इंटरवल क्या है, 0 से 2π, फंक्शन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इंटरवल तोड़ दो 0 से π, फंक्शन की वैल्यू प्लस में क्या हो जाएगी, पाई से 2π, फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। और फंक्शन कैसे गिवन है, 0 से π के बीच में एक्स और वहाँ पे 2π माइनस एक्स पुट कर दीजिए, तो 1 by π, ये क्या हो जाएगा, 0 से π एक्स डी एक्स, प्लस में क्या हो जाएगा, पाई 2π, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2π माइनस एक्स, और साथ में क्या है, डी एक्स। इंटीग्रेशन कर दीजिए, 1 by π एक्स केयर बाई 2 0 से π, प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2π माइनस एक्स का होल स्केयर बाई में माइनस 2, और हमारे पास क्या हो जाएगी, पाई से 2π, ये बन जाएगा, पाई पुट करूँगे तो पाई स्केयर बाई 2, तो वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, 1 by π, ये होगी पाई स्केयर बाई 2 माइनस 0, और प्लस में देखिए यहाँ पे मैं 2π पुट करूँगी तो 2π क्या हो जाएगा, 2π माइनस 2π 0, पाई पुट करूँगी तो पाई स्केयर, तो ये क्या बन जाएगी मेरे, प्लस में पाई स्केयर बाय 2, यानी मेरे पास जो टोटल वैल्यू आई है पाई स्केयर बाय पाई, यानी कि पाई। तो ए नोट की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास में, ए नोट इज इक्वल टू पाई, इसका हमने आगे यूज़ करना है। ए एन लेके चलते हैं, ए एन देखिए क्या होगा, 1 by π, 0 से 2π एफ ऑफ एक्स कोस एन एक्स, साथ में क्या है, डी एक्स है।
तो वन बाई पाई तोड़ दीजिए, जीरो टू पाई, फंक्शन की वैल्यू एक्स कोस एन एक्स डी एक्स मैंने सीधी पुट कर दी, वन बाई पाई, और जो मेरे पाई से टू पाई के बीच में है वो क्या है, टू पाई माइनस एक्स कोस एन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करो, एक्स एज इट इज़ कोस का इंटीग्रेशन साइन, एक्स साइन एन एक्स बाई में एन और ज़ीरो टू पाई, माइनस में देखिए एक्स का डिफरेंशिएशन वन, कोस का क्या हो जाएगा साइन, साइन का करेंगे तो क्या हो जाएगा कोस, तो प्लस में हमारे पास क्या बचेगा, प्लस में कोस एन एक्स बाई में एन स्क्वायर और ज़ीरो से पाई, ये वाली वैल्यू बची, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगी हमारे पास में प्लस में वन बाई पाई, इसको सोल्व करते हैं, टू पाई माइनस एक्स साइन एन एक्स बाई में एन, और इंटरवल क्या है पाई से टू पाई, माइनस में डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन माइनस वन कोस का ये साइन, तो प्लस में वन बाई एन साइन एन एक्स डी एक्स पाई से लेके टू पाई, ये बन जाएगा, इनकी लिमिट पुट कर दीजिए, वन बाय पाई साइन एन पाई जीरो, साइन जीरो जीरो, प्लस में क्या बन गई कोस एन पाई बाई में एन स्क्वेयर, माइनस में वन बाई एन स्क्वेयर, ये बन गई फर्स्ट वाली, प्लस वन बाय पाई, ठीक है, साइन टू पाई, टू एन पाई जीरो, साइन एन पाई वो भी जीरो क्योंकि एन इंटीजर है, यहाँ पे आ जाते हैं, तो वन बाय में एन स्क्वेयर बच गया, और क्या है कोस एन एक्स, साइन का इंटीग्रेशन हमारे पास में क्या हो जाएगा माइनस कोस, माइनस कोस एन एक्स पाई से क्या हो जाएगी टू पाई, ये बन गया, इसको खोल दीजिए, क्या बन गया कोस एन पाई माइनस वन बाय में एन स्क्वेयर पाई, इस पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस में वन जो मेरे पास आएगी वन बाई में एन स्क्वेयर पाई, अब देखिए कोस पाई यहाँ पे हम पुट करेंगे माइनस कोस टू एन पाई और प्लस में कोस क्या हो जाएगी एन पाई, ये बन गई कोस एन पाई माइनस वन बाय में एन स्क्वेयर पाई, माइनस यहाँ से अगर मैं कॉमन निकाल दूँ वन बाय में एन स्क्वेयर पाई, अंदर क्या बनेगा कोस टू एन पाई, टू कोस टू एन पाई यानी माइनस वन रेज टू पावर टू एन, यही बनेगी ना माइनस वन रेज टू पावर एन, और कोस एन पाई क्या हो जाएगी माइनस वन रेज टू पावर एन, पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगी वन माइनस में माइनस वन रेज टू पावर एन, ये बन गई। देखिए अब यहाँ पे भी कोस एन पाई की वैल्यू पुट कर दूँ तो क्या बनेगी माइनस वन रेज टू पावर एन माइनस वन अपॉन में एन स्क्वेयर पाई, और यहाँ से माइनस में वन एन स्क्वेयर पाई, वन माइनस माइनस वन रेज टू पावर एन, ये बन गया। इनको माइनस अंदर लेके जाएंगे या फिर यहाँ से कॉमन निकाल दें तो हमारे पास टोटल सोल्व होके क्या बन गई टू इंटू माइनस वन रेज टू पावर एन, माइनस अंदर लेगी माइनस वन बाय में एन स्क्वेयर पाई, ये किसकी वैल्यू आई है मेरे पास में ए एन की वैल्यू आ गई। देखिए अब ए एन की जो वैल्यू आई है ये डिपेंड करेगी इवन पे या ओड पे, अगर एन क्या है ओड है, देखिए अगर एन ओड है तो माइनस वन रेज टू पावर एन क्या हो जाएगी माइनस वन हो जाएगी, तो टू इंटू माइनस वन रेज टू पावर एन माइनस वन किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास अगर मैं सोल्व करूँगी तो यहाँ पे, तो ये बनेगी माइनस थ्री बाई में, सॉरी टू कॉमन है, माइनस वन है ना तो टू कॉमन है, तो यहाँ से टू कॉमन निकाल दीजिए तो क्या हो जाएगी फोर हो जाएगी मेरे पास सोल्व करेंगे तो, ठीक है माइनस फोर आ गई। अगर एन क्या है इवन है तो माइनस वन रेज टू पावर एन वन, तो टू इंटू माइनस रेज टू पावर एन माइनस वन क्या हो जाएगी टू इंटू वन माइनस वन तो जीरो, तो ए एन की वैल्यू क्या होगी देखिए ज़ीरो होगी इफ़ एन इज़ इवन, अगर एन इवन है तो एन माइनस फोर बाय में एन स्केयर पाई, इफ़ एन क्या है ओड है, ये आ गया मेरे पास किसकी वैल्यू ए एन की वैल्यू। बस फॉर्मूलाज में क्या किया है, फॉर्मूला के अंदर पहले इंटरवल को तोड़ा है फिर वैल्यू पुटअप करके इंटीग्रेशन किया, और कोस एन पाई की वैल्यू क्या पुट कर दी माइनस वन रेज टू पावर एन, बस यही किया है। बी एन निकालते हैं, बी एन क्या हो जाएगा वन बाई पाई जीरो से टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, ये क्या बन जाएगा वन बाई पाई योगी जीरो से पाई एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, प्लस में क्या हो जाएगी पाई से टू पाई, मैंने सीधी फंक्शन की वैल्यू पुट कर दी साइन एन एक्स और साथ में क्या है डी एक्स, तो यानी कि वन बाई पाई एक्स एज इट इज़ साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस यानी माइनस एक्स कोस एन एक्स बाई में एन, इंटरवल क्या है जीरो से पाई लिमिट हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस कोस एन एक्स यानी कि वन बाई एन बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन फिर करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन एन एक्स बाई में एन स्क्वेयर जीरो से पाई, प्लस में इसको लेके चलते हैं यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा टू पाई माइनस एक्स साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी कोस एन एक्स बाई में एन और आगे माइनस और इंटरवल क्या है पाई से टू पाई,
माइनस, देखिए अब यहाँ पे हमारे पास में क्या है कि कोस टू पाई माइनस एक्स, कोस टू पाई माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो वन बाई एन बाहर, और इंटीग्रेशन किसका बन गया, कोस का बच गया। हमारे पास क्या बन जाएगी, हमारे पास पाई से टू पाई कोस एन एक्स डी एक्स ये बच जाएगा इंटीग्रेशन होने के बाद। वैल्यू पुटअप कीजिए, वन बाय पाई माइनस पाई कोस एन पाई बाई में एन, ठीक है, और माइनस या जीरो पे तो जीरो हो गया, ठीक है, ये बन गई। प्लस में साइन एन पाई पे सारा का सारा क्या बनेगा, जीरो बनेगा, साइन पाई जीरो और जीरो पे भी जीरो, ठीक है। प्लस में अब आ जाइए यहाँ पे, देखिए जब टू पाई पुट करूँगी तो सब कुछ जीरो, पाई पुट करूँगी तो क्या बनेगा मेरे पास में, माइनस पाई कोस एन पाई बाई में एन, ये बन गया, और साथ में क्या है, वन बाई पाई बाहर है। माइनस में कोस का इंटीग्रेशन साइन, तो क्या बनेगी मेरे पास, यहाँ से हमारे पास में वन बाई एन स्क्वेयर साइन एन एक्स पाई से टू पाई, और ये भी टोटल जीरो, तो यानी हमारे पास में टोटल क्या बन गया, माइनस पाई, पाई से पाई कैंसिल, माइनस कोस एन पाई बाई एन, एंड यहाँ से मेरे पास में क्या बनी, सॉरी माइनस, देखिए टू पाई पे तो शुरू में तो जीरो 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 प्लस हो जाएगा, तो प्लस में क्या बन गया, कोस एन पाई बाई एन, तो कैंसिल होकर बी एन क्या आ गया मेरे पास में, जीरो आ गया। तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ बी एन क्या आ गई मेरे पास में, जीरो वैल्यू आ गई, क्योंकि सारा कट हो गया, क्योंकि यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे जीरो जीरो, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और तो ये वैल्यू आ जाएगी, तो माइनस प्लस कैंसिल आउट होकर बी एन क्या बन गया, जीरो बन गया। अब देखिए ए नॉट की तो वैल्यू क्या आई थी, पाई, ए एन की जो वैल्यू आई है वो हमारी आई है ये वाली वैल्यू, ठीक है, और बी एन क्या आ गया हमारे पास में सोल्व होके, जीरो आ गया। तो एफ एक्स किसके इक्वल होगा, एफ एक्स होगा ए नॉट बाई टू, ए नॉट की वैल्यू क्या है पाई, यानी पाई बाई टू, प्लस में समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी, यहाँ पे ए एन कोस एन एक्स ये बनेगा हमारे पास में, ठीक है। तो इसको मैं खोल दूँ, अगर एफ ओफ एक्स की हम सॉरी एफ ओफ एक्स सिमिलर टू पाई बाई टू, प्लस में अगर इसका समेशन में खोलना चाहूँ तो देखिए क्या बनेगी, यहाँ पे मेरे पास में ए एन की वैल्यू इवन पे तो देखो मैंने बताया था आपको कहाँ गई ये रही, इवन पे तो जीरो, ओड पे ये, पहले मैं क्या पुट करूँगी, वन पुट करूँगी, तो मेरे पास क्या हो जाएगी, माइनस फोर बाई, देखिए ए एन की वैल्यू लिख देती हूँ, जीरो है जब एन क्या है, इवन है, एंड माइनस फोर बाई एन स्क्वेयर पाई है इफ़ एन क्या है, ओड है। तो देखिए वन पे तो क्या जाएगी, वन पुट करें एन की जगह, माइनस फोर बाई पाई और कोस एक्स ये बन जाएगी, प्लस में सेकंड पे जीरो, क्योंकि एन इवन, टू इवन हो गया तो वो जीरो, थ्री पे पुट करेंगे तो क्या बनेगी, माइनस फोर बाई में थ्री स्क्वेयर पाई कोस थ्री एक्स, प्लस में फोर, माइनस फोर पाई में फाइव स्क्वेयर पाई, और साथ में क्या हो जाएगी, कोस फाइव एक्स प्लस अप टू सो ऑन, ये वैल्यू वैल्यू बन गई। तो एफ ओफ एक्स किसके सिमिलर हो गया, पाई बाई टू, माइनस फोर पाई बाई बाहर निकाल दो, अंदर क्या बनेगा, कोस एक्स, और प्लस में कोस थ्री एक्स बाई में थ्री स्क्वेयर, और यहाँ से हमारे पास में प्लस में कोस फाइव एक्स बाई में फाइव स्क्वेयर प्लस अप टू सो ऑन, ये आ गया हमारे पास में एफ ओफ एक्स की। अब देखिए जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे वो बोल रहा है डिडक्ट करना है, देखिए सभी टर्म्स पॉजिटिव है लेकिन वहाँ पे पाई स्क्वेयर बाई एट है, तो कोस की वैल्यू वन कब होगी, जब एक्स क्या हो, जीरो हो, तो पुट करते हैं एक्स जीरो, एफ ओफ एक्स की वैल्यू जो मेरे पास में है, देखिए अब जीरो पे अगर मैं जीरो पे वैल्यू जो भी इसकी पुट करूँगी तो मेरे पास क्या बन जाएगी, जीरो बनने की, क्योंकि जीरो पे तो क्या जाएगी, जीरो जाएगी, क्योंकि पाई के ऊपर है इनफिनिटी, तो ये क्या बन जाएगी, जीरो इज इक्वल टू एफ ओफ एक्स की वैल्यू जीरो पुट करने, पाई बाई टू माइनस फोर बाई पाई, वन प्लस में वन बाई में थ्री स्केयर प्लस वन बाई में फाइव स्केयर प्लस अप टू सो ऑन, इसको हम वहाँ लेके जाएंगे, जब वहाँ लेके जाएंगे तो मेरे पास क्या बनेगी, पाई स्केयर बाई एट किसके को लगे, वन प्लस वन बाई थ्री स्केयर प्लस वन बाई फाइव स्केयर अप टू सो ऑन, ये क्या हो जाएगी हमारी डिडक्शन होगी। बस कुछ नई वैल्यू पुट अप की है और फिर उसके बाद एक्स को क्या कर दिया, जीरो पुट कर दी, तो रिडक्शन आ जाएगी हमारी। नेक्स्ट है सेम एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, माइनस वन टू वन दिया हुआ है, ठीक है, और फिर हमने ये डिडक्ट करना है। देखिए इसमें ना आपने पिछली एक्सरसाइज में इवन ओड का पढ़ा होगा कि क्या था इवन ओड में, कि फंक्शन हमारे पास अगर ओड फंक्शन है तो वहाँ से बी एन क्या बन जाता है, सॉरी ए एन क्या बन जाता है, जीरो बन जाता है, और अगर फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन है, तो वहाँ से क्या हो जाता है, बी एन जीरो बन जाता है। लेकिन कब बनता है, जब हमारे पास में इंटरवल किस टाइप का हो, माइनस ए टू ए,
या यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया हुआ है इंटरवल क्या है माइनस पाई टू पाई। सेकंड फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या दिया है माइनस वन, माइनस पाई लेस देन एक्स लेस देन जीरो एंड वन, जब एक्स किस किस के बीच में लाई कर रहा है जीरो और पाई के बीच में, ठीक है, और पीरियड क्या है माइनस पाई से पाई। अब देखिए जो मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह के जो फंक्शन हो, देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में तो नहीं हो सकता था क्योंकि दोनों फंक्शन अलग अलग से थे, लेकिन थर्ड में सिर्फ नेगेटिव का डिफरेंस है। कुछ ऐसे फंक्शन जिनमें नेगेटिव का डिफरेंस हो तो वहाँ पे इवन ओड का हम थोड़ा सा पता लगा सकते हैं। देखिए कैसे, फोर अगर मैं क्या ले रही हूँ, पहले वाला लिख रही हूँ कि माइनस पाई लेस देन एक्स लेस देन जीरो, ठीक है, एक्स जब मैं माइनस पाई और जीरो के बीच में लेके चल रही हूँ तो इवन ओड चेक करने के लिए हम क्या लेके चलते हैं, देखिए इवन और ओड के लिए हम क्या लेके चलते हैं, इवन और ओड। कैसे पता चलता है कि एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आना चाहिए, एफ ऑफ एक्स आ गया तो इवन है, माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया तो क्या है ओड है, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स लेके चलेंगे। अब जब यहाँ पे हमारे पास जो वो है एक्स है वो माइनस पाई और जीरो के बीच में है तो माइनस मल्टीप्लाई करूँगी तो माइनस एक्स किसके बीच में लाई करेगा, जीरो टू पाई के बीच में लाई करेगा, तो फंक्शन ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी। देखिए माइनस, अब यहाँ पे जो माइनस एक्स है ना वो किस किस के बीच में लाई कर रहा है, जीरो और पाई, जीरो और पाई के बीच में फंक्शन क्या है हमारे पास में वन के इक्वल है, ठीक है, लेकिन एक्स किसके बीच में लाई कर रहा था माइनस पाई से जीरो के बीच में लाई कर रहा था, तो यानी कि क्या हो जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स, क्योंकि माइनस एफ ऑफ एक्स के, ध्यान से देखिए जब एक्स जीरो से, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना, इसमें बहुत बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं, फोर माइनस पाई लेस देन एक्स लेस देन जीरो, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है माइनस वन है, और इसके लिए फोर जीरो लेस देन एक्स लेस देन पाई, इसके लिए फंक्शन एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी वन हो जाएगी, और जो ये वन है ये किसके इक्वल है माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, क्योंकि यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हो ना, मैंने किसके इक्वल होगी एम वन माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या आई है माइनस एफ ऑफ एक्स आई है, तो ये क्या हो जाएगा ओड फंक्शन हो गया, ओड फंक्शन हो गया तो वहाँ से क्लियरली बोल सकते हो कि ए एन तो क्या जाएगा जीरो जाएगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आपको ये इवन और ओड वाली चीज़ नहीं समझ आती है तो आप सिंपल जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में किया है ना मैंने, ऐसे इंटरवल को तोड़ोगे और करोगे, ठीक है, अगर आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रही है तो इंटरवल को तोड़ के आप इससे करोगे सेम। अब इंटरवल को तोड़ के करना है तो वो तो आपका ईजिली हो ही जाएगा, काफ़ी ईजी क्वेश्चन पड़ जाता है ये। उसके बाद है थर्ड, थर्ड में भी देखिए, थर्ड में हमारे पास में क्या है जीरो और माइनस प्लस माइनस पाई पे तो जीरो दे दी, बाकी वैल्यू ये है। देखिए जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड में हमारे पास क्या गिवन है कि एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल गिवन है हमारे पास में, एफ ऑफ एक्स है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर जब एक्स जीरो और पाई के बीच में है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर जब माइनस पाई और ज़ीरो के बीच में है, और ज़ीरो है जब एक्स क्या है ज़ीरो है प्लस माइनस पाई है, ये गिवन है, ठीक है। नाउ पहले मैं लेके चलती हूँ कि जो मेरे पास माइनस पाई है वो जो एक्स है वो माइनस पाई और ज़ीरो के बीच में है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है मेरे पास में एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस एक्स मेरे पास जीरो से पाई के बीच में हो जाएगा, तो एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल है एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी ना। तो यहाँ पे देखिए जो मैंने एफ ऑफ माइनस एक्स लेके चली थी वो मेरे पास किसके इक्वल है एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स के स्क्वायर के इक्वल है, यानी कि मैं, और अगर मैं यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करूँ तो वो किसके इक्वल होगा माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन निकाल दो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और ये किसके इक्वल हो जाएगी माइनस एफ ऑफ एक्स, जहाँ पे एक्स किसके बीच में लाई कर रही है हमारे पास में माइनस पाई और जीरो के बीच में, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा ओड फंक्शन हो गया, ओड फंक्शन हो गया तो वहाँ से ए एन क्या बन जाएगी जीरो बन जाएगी। मैं फिर से कह रही हूँ अगर ये वाली चीज़ आपको क्लियर नहीं होती है तो छोड़ देना सिंपल इंटरवल्स को तोड़ के करना, मैं बस आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रही हूँ, सिंपल इंटरवल्स में तोड़ के तो आप कर ही लोगे, बस थोड़ा बता रही हूँ अगर समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो स्किप कर देना इस चीज़ को, फिर आप सिंपल इंटरवल में करना, कहीं इवन अगर नहीं समझ आ रहा फिर भी इवन ओड के चक्कर में घुसे तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आ जाते हैं, ठीक है, वो तो ए नोट आप इंटरवल से तोड़ के कर ही लोगे। देखिए फंक्शन एफ ओ एक्स किसके इक्वल है, एफ ओ एक्स है हमारे पास में कोस एक्स,
जब माइनस पाई लेस देन एक्स लेस देन जीरो है एंड माइनस कोस एक्स है, जब एक्स किसके बीच में लाई कर रहा है, जीरो से पाई के बीच में लाई कर रहा है। देखिए अब ध्यान से, यहाँ पे जब मैं एफ ऑफ माइनस एक्स लेके चलती हूँ, एफ ऑफ माइनस एक्स, देखिए एक्स की वैल्यू माइनस पाई से और जीरो के बीच में लेके चलो फोर एक्स, या फिर इसी के बीच में लेके चल पड़ो। एक्स किस किस के बीच में लाई कर रहा है, जीरो से पाई के बीच में, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस कोस एक्स है। और जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो वो माइनस पाई लेस देन एक्स लेस देन जीरो के बीच में हो जाएगा, तो वहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास में, कोस एक्स है, यानी सॉरी एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस एक्स हो जाएगी, क्योंकि कोस एक्स गिवन है। लेकिन यहाँ से कोस एक्स की वैल्यू अगर मैं निकाल लूँ तो वो क्या है, माइनस एफ ऑफ एक्स है, तो ये क्या हो जाएगी, माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल है, माइनस एफ ऑफ एक्स के, तो ये क्या हो जाएगी मेरे पास में, ओड फंक्शन हो जाएगा। दोबारा देख लो, जब एक्स में ये वाली उठा के लेके चल रही हूँ, जब एक्स जीरो और पाई के बीच में, तो फंक्शन कोस एक्स के माइनस कोस एक्स के इक्वल है, तो कोस एक्स की वैल्यू निकाल दी हमने, और जब इसको मैंने जीरो से मल्टीप्लाई किया तो माइनस पाई जीरो, और एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, कोस एक्स है, और यहाँ से कोस एक्स की वैल्यू निकाल दी, माइनस एफ एक्स, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स, तो वो क्या हो जाएगी, ओड फंक्शन होएगी। और अगर मैं लेके चलती हूँ कि एक्स मेरे पास माइनस पाई और जीरो से बीच में है, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, कोस एक्स गिवन है, मल्टीप्लाई कर दो माइनस से, तो अगर मैं माइनस एक्स को जीरो से पाई लेके चलूँ तो एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, देखो जीरो से पाई के बीच में आ रही है, माइनस कोस एक्स, और वो किसके इक्वल है, माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, ओड फंक्शन हो जाएगा। तो वहाँ से क्लियरली ए एन तो क्या बन गया, जीरो बन गया, हर एन के लिए, एन इज इक्वल टू जीरो वन टू थ्री सब के लिए, तो क्या बन जाएगा, ए जीरो बन जाएगा, जीरो वन टू थ्री सब के लिए। बी एन निकालना है, बी एन देखो कैसे निकलेगा, वन बाय में पाई, यहाँ से माइनस पाई टू पाई, एफ ऑफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स, देखिए वन बाय पाई इंटरवल तोड़ दीजिए, माइनस पाई टू जीरो, वहाँ पे तो हमारे पास में देखिए माइनस पाई टू जीरो में कोस एक्स है, तो क्या बन जाएगी हमारे पास, सॉरी बी एन में तो साइन होता है, रियली सॉरी फॉर दैट साइन, तो क्या बन जाएगा, कोस एन एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, और यहाँ से प्लस में तो जीरो से पाई जब लेके चलेंगे, जीरो से पाई में माइनस कोस एक्स है, तो क्या हो जाएगी मेरे पास में, माइनस कोस एक्स साइन एन एक्स, और साथ में क्या है, डी एक्स है। टू से डिवाइड, टू से मल्टीप्लाई कर दिया तो वन बाय टू पाई, ये क्या बन जाएगी, माइनस पाई से जीरो, ये टू कोस एन एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगी मेरे पास में, माइनस जीरो से पाई टू कोस एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, ये बन जाएगा हमारे पास सॉल्व होकर। देखिए थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए इसको, वन बाय में टू पाई, ये क्या बनेगा, माइनस पाई से जीरो के बीच में, तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे, साइन को आगे लेके आ जाती हूँ, क्या बनेगा, टू साइन एन एक्स कोस एक्स डी एक्स, और प्लस में क्या हो जाएगी हमारे पास, जीरो से पाई टू साइन एन एक्स कोस एक्स, और साथ में क्या है, डी एक्स। देखिए फॉर्मूला लगाया, टू साइन ए कोस बी किसके इक्वल होता है, साइन ए प्लस बी, और प्लस में साइन ए माइनस बी, इसके इक्वल होता है, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, तो वन बाय में टू पाई क्या बन जाएगा, माइनस पाई से जीरो, तो क्या बन जाएगी, साइन एन प्लस वन एक्स, क्योंकि एडिशन करेंगे, एन एक्स प्लस वन एन एक्स प्लस एक्स, तो एन प्लस वन कॉमन निकल जाएगा, प्लस में साइन एन माइनस वन एक्स, और साथ में क्या है, डी एक्स, प्लस में, और नेक्स्ट करेंगे तो क्या बनेगी, जीरो से पाई, और सेम एज इट इज़ क्या बनेगा, साइन एन प्लस वन एक्स, प्लस में साइन एन माइनस वन एक्स, और साथ में क्या है, डी एक्स, ये बन जाएगा सॉल्व होके। करिए इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस टू बाय पाई, ये हो जाएगी माइनस कोस एन प्लस वन एक्स अपॉन में एन प्लस वन, माइनस कोस एन माइनस वन एक्स अपॉन में एन माइनस वन, लिमिट क्या है, जीरो से पाई, सॉरी माइनस पाई से जीरो। अब आ जाए इसके ऊपर, ये क्या बन जाएगी, माइनस कोस एन प्लस वन एक्स बाय में एन, और माइनस कोस एन माइनस वन एक्स अपॉन में एन माइनस वन, और जीरो से पाई, ये बन जाएगी सॉल्व ओके। अब वैल्यू पुट करते हैं, देखिए वन बाय में टू पाई कोस जीरो वन माइनस एन प्लस वन, और यहाँ से क्या हो जाएगी, माइनस एन माइनस वन,
ये वाली वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट में अब जब मैं पाई पुट करूँगी तो क्या बन जाएगी मेरे पास में माइनस माइनस प्लस कोस एन प्लस वन पाई बाय में एन प्लस वन, और प्लस में कोस एन माइनस वन पाई अपॉन में एन माइनस वन। ये तो हो गया पहले वाले का काम। उसके बाद आ जाओ सेकंड वाला, प्लस में वन बाय में टू पाई, पाई पुट करेंगे माइनस कोस एन प्लस वन पाई अपॉन में एन प्लस वन, और यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगी मेरे पास में माइनस कोस एन माइनस वन पाई अपॉन में एन माइनस वन, ये वाली वैल्यू आ जाएगी सॉल्व होके, ठीक है। और वहाँ से मेरे पास में क्या हो जाएगी प्लस में जीरो, तो जीरो जब पुट करेंगे तो जीरो पुट करने पे मेरे पास क्या आएगी माइनस माइनस प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन माइनस में एन माइनस वन, ये सॉल्व होके आ जाएगी। इतना हमारे पास क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए सॉरी प्लस में एन प्लस वन ये होगी, तो मैं जीरो पुट कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट में अब हम खोलते हैं तो वन बाय में टू पाई इकट्ठा कीजिए,